ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायोदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। हरि बोल। भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी आज जो है यहाँ अभी भागवतम जो है पांचवा स्कंद ये चल रहा है, इसका अध्याय क्रमांक आठवां, भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो आज ये जो है तीन श्लोक में ये गद्य है, तो इसको श्लोक में पढ़ना मुश्किल होता है, तो मैं सिर्फ पहला श्लोक पढ़ लूँगा, फिर इसके बाद में हम अनुवाद भी इसका पढ़ेंगे। तो हम एक एक शब्द का उसका श्लोक और अनुवाद ये करते हैं। अपि स्वतः, कहीं ऐसा तो नहीं, असौ वह भगवान सर्वशक्तिमान उड़पति ही चंद्रमा एनम इस मृगपति भयात सिंह के भय से मृतमासतरम मातृविहीन मृग बालकम मृग शावक का स्व आश्रम परिभ्रष्टम अपने आश्रम से बिछुड़ कर अनुकंपाध्य दयावश कृपण जन वत्सल। हाँ, यानी चंद्रमा जो दुखी प्राणियों पर अत्यंत अन्यथा सदैव परिपाती सुरक्षा कर रहा है। अनुवाद तथा तात्पर्य, इसमें दो में तात्पर्य नहीं है, तो अभी अगले तीन श्लोक पढ़ेंगे और उसका फिर तात्पर्य पढ़ेंगे, एक एक में ही तात्पर्य लास्ट में। तो यहाँ इसका अनुवाद है, भरत महाराज उत्तम पुरुष की भांति बोलने बोलते रहे, अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा से मृग के सदृश काले धब्बे को देखकर उन्होंने कहा, कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया है और मातृविहीन हो गया है, उस पर भी दया की हो। इस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए ही मृग को अपने निकट शरण दे दी हो। अगला श्लोक है, चांदनी को देखकर महाराज भरत उत्तम पुरुष की भांति बोलते रहे, उन्होंने कहा, वह मृग छेना इतना विनम्र घुलमिल गया था, मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग में मुझे अपने पुत्र जैसे वियोग हो रहा है, इसके वियोग ताप से मुझे दावाग्नि से जल जाने जैसा कष्ट हो रहा है, मेरा हृदय स्थल
कुमुदिनी जैसा जल रहा है, मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर चमकते हुए अमृत जैसी वर्षा कर रहे हैं, मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति पर उसका मित्र जल छिड़कता है, इस प्रकार यह चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है। श्लोक क्रमांक 26। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज दुर्दमनीय आकांक्षा से अभिभूत हो गए, जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्म के फल के कारण वे योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यदि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ तो वे क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझ कर त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आकृष्ट होते? वे मृग के लिए इतना दुर्धग्य स्नेह क्यों प्रकट करते? यह निश्चित ही उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उनके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि वे अपनी आध्यात्मिक कृतियों से नीचे गिर गए। कालानंतर में दुर्लभ्य मृत्यु के उनके समक्ष उपस्थित हो गई। जिस प्रकार कोई विषधार सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में छुपके से घुस जाता है, तात्पर्य अगले श्लोकों में देखने में आएगा कि मृत्यु के समय महाराज भरत को मृग से आकर्षण के कारण बाध्य होकर मृग का शरीर धारण करना पड़ा। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्मों तथा पापों का उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माण निद्रहति किंतु जब भक्ति भावम भाजम। जो भक्ति भजन में लगे रहते हैं उनके पूर्व कर्म के फल की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व कर्मों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। इसके निष्कर्ष यह होगा कि जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हो गए और उन्होंने अपनी उन्नति की उपेक्षा की। उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधार करने के लिए उन्होंने अल्प काल के लिए मृग का शरीर प्राप्त कर लिया। यह उनकी भक्ति की सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। यद्यपि उन्हें पशु शरीर दिया गया किंतु वे यह नहीं भूल पाए कि जानबूझकर की गई उनकी त्रुटि के कारण ही ऐसा हुआ। वे इस मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिससे सूचित होता है कि वे भक्ति के प्रति अत्यधिक स्नेहलित हो उठे थे, जिससे अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो सका, जिससे वे अपने लक्ष्य में सिद्ध पा सके। इस दृढ़ विश्वास के साथ ही हम अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड में यह घोषित करते हैं कि वृंदावन में रहने वाले कुछ गोस्वामी भक्त जो जानबूझकर पाप करते हैं, वे उस पवित्र भूमि में कुत्ते, बंदर तथा कछुए का शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कुछ काल तक निम्न योनि में रहते हैं और अपना ऐसा पशु शरीर त्यागने के बाद वे पुनः वैकुंठ लोक जाते हैं। ऐसा अल्पकालीन दंड विगत कर्मों का फल नहीं होता। भले ही यह विगत कर्म के कारण प्रतीत हो, किंतु यह दंड भक्त को अपनी भूल सुधारने और भक्ति में अग्रसर होने के लिए दिया जाता है।
ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी यहाँ जो प्रसंग जो चल रहा है, तो आप यहाँ देख रहे कि किस प्रकार भरत महाराज वो ये भूल गए कि उन्होंने घर परिवार अपना राज ये सब किस लिए छोड़ा था। यहाँ आके आप देख रहे कि एक हिरण के बच्चे से इतने आसक्त हो गए। हालांकि भरत महाराज जो है आप देखते हैं कि वो भक्ति के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो आप देखते हैं कि भक्ति में रूप गोस्वामी ये जो है नौ स्तर का ये उपदेशामृत में उल्लेख करते हैं कि भक्ति के जो अंतिम स्तर है वो प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति से एक ही स्टेप नीचे है, वो है भाव भक्ति। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है भाव भक्ति में एक व्यक्ति के कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे एक गन्ना है उसको पहले खेत से काटते हैं, उसके बाद में उसका रस निकाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो आगे उसको एक हंडी में डालने से वो जमीन में गाड़ देते हैं। आजकल कोई बनाता नहीं, उसको कहते हैं सिद्ध मिश्री। बिल्कुल वो चीनी जो है सिद्ध मिश्री कहते हैं उसको। तो भक्ति में भी नौ स्तर होते हैं। तो पहले श्रद्धा, आदो श्रद्धा, अभी हमारे अंदर सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कह ले सर्व कर्म कृत है। फिर साधना भक्ति, साधना भक्ति के अनुसार जैसे हम लोग मंगल आरती, फिर अपना भागवत श्रवण करना, भक्तों का संग करना, भगवान का दर्शन करना, तो इसको कहते हैं साधना भक्ति। फिर उसके बाद में भजन क्रिया में हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, नवदा भक्ति। फिर अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि हमारे अंदर जो अनर्थ है काम क्रोध लोभ, तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर एक निष्ठा, निष्ठा यानी ये करना ही है। निष्ठा के बाद में रुचि, भगवान के प्रति हमारी रुचि। फिर उसके बाद में आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति हमारी पैदा होती है। और आठवां जो स्तर है वो है भाव। तो इस स्तर पर एक व्यक्ति अगल बगल के हर चीज़ों को भूल जाता है और अंत में उसका जो ये होता है स्तर होता है वो है प्रेम भक्ति। तो अभी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस घटना में कि भरत महाराज जो है हालांकि ये भाव भक्ति के स्तर पर पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। कभी कभी अंग्रेजी में कहते लोग आपने यू हैव मेड इट, अंग्रेजी में कहते कि आपने चलो कर लिया। काफ़ी बार हम लोग कर्मी लोगों को उत्साहित करने के लिए वो कहते कि हम भी शाकाहारी है, तो हम कहते अरे आप तो शाकाहारी का मतलब आप तो भक्त हैं, तो उनको थोड़ा प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि भरत महाराज इतने ऊँचे स्तर पर आने के बावजूद भी वो आप देखते हैं कि अपने आप को भूल गए और वो सिर्फ जो है जैसे कभी कभी पागल व्यक्ति कुछ भी बात करता है, तो ऐसे ही वो चलते चलते एक ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाके वहाँ से नीचे गिर गए। तो अभी ये एक ऐसा प्रसंग है, तो यहाँ हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि कभी कभी भगवान की कोई इच्छा होती है, जैसे कहावत है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो यहाँ एक देखते हैं कि इस प्रसंग में हम ये समझ सकते हैं कि भगवान एक हमें एक उदाहरण दे रहे कि भक्ति में एक व्यक्ति को किस प्रकार सतर्क रहना चाहिए। जैसे आप कभी ड्राइविंग करते हैं या कोई शेविंग करता है तो एक व्यक्ति को सतर्क रहना होता है। और दूसरा जो है भगवान की इच्छा, देश काल पात्र के अनुसार अगर भगवान की भी इच्छा हो तो भगवान की इच्छा के अनुसार भी भगवान क्या करते कि कोई भी इसको अपना मोड़ दे देते। तो अभी यहाँ हम इसको अभी दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अभी यहाँ जो बताया गया है
कि अभी जो है भरत महाराज जो है अपने आप को भूल गए, और यहाँ हालांकि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो उनका एक ऐसा कुछ कर्म रहा हो, उनके कर्म के अनुसार वो भूल गए और उनका कर्म का अनुसार वो गिर गए। लेकिन प्रभुपाद जी भक्त यहाँ ब्रह्म संहिता में उल्लेख करते कि कर्माणि, तो जो एक व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसके कर्म सब जल जाते। तो ये थोड़ा समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमें एक ऐसे एक स्तर से देखना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि अगर भगवान की इच्छा हो तो वो हमें समझना चाहिए कि भगवान कोई भी चीज़ को अपना मोड़ दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत महाराज जब ही वो अपने घर छोड़ के भक्ति में लगे थे, तो अभी हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम भक्ति में लगते हैं, ठीक है, तो भक्ति में लगते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या पैदा होता है, क्या उत्पन्न होता है, और अरे वाह गुड, हाँ, तो भक्ति में जब भी हम लगते हैं तो ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। तो भरत महाराज की यही स्थिति थी कि जब भी वो भगवान की भक्ति घर में कर रहे थे तो उनके अंदर क्या हो गया, ज्ञान और वैराग्य आ गया। लेकिन जब यहाँ आके वो एकांत भक्ति कर रहे थे तो वहाँ जो है जब वो उन्होंने हिरण के बच्चे को पालना आरंभ किया तो थोड़े अज्ञान में चले गए और उन्होंने भक्ति को क्या कर दिया, भक्ति को दुर्लक्ष। तो जब भी हम भक्ति को दुर्लक्ष करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, अज्ञान आता है, क्या आता है, हाँ, हमारे अंदर जो है अज्ञान आता है और आसक्ति आती है, क्या आती है, हाँ। तो अभी उन्होंने भक्ति को त्याग दिया तो उनके अंदर एक अज्ञान आ गया कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एक हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति वो प्रकट हो गई। तो इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने अपने भक्ति को छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं कि ये तुरंत हो गया, क्योंकि हिरण का बच्चा पैदा होकर बड़ा हो गया तो कुछ काल अवधि के अनुसार हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे इस स्थिति में आ गए हैं। तो अभी यहाँ वास्तविक में देखेंगे तो उनके अंदर, क्योंकि वो वैष्णव थे, राज ऋषि थे, उनके अंदर एक दया की भावना भी थी, पर दुख दुखी, जो एक वैष्णव के 26 गुण होते हैं, तो एक वैष्णव होता है वो एक दया, उसके अंदर एक दया की भावना होती है। तो हालांकि यहाँ उनके पास दया की भावना थी, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें तीन चीज़ों का उल्लेख किया है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। अभी हम लोग जीव की दया करते हैं लेकिन स्वजीव दया भी होना चाहिए, स्वजीव दया समझते हैं, अपने जीव के ऊपर भी दया करना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि कभी कभी ये जब भी बड़ा फीस्ट होकर आता है, जो प्रसाद वितरण करते हैं उनको एक टेंशन रहता है, अरे मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं, जो प्रसाद वितरण करते हैं कि नहीं, तो जो किचन इंचार्ज रहता है वो क्या करता है, अरे तुम्हारे लिए हमने बकेट बना के रखा है, आप बिंदास बांटो, तो वो फिर प्रेम से ही खिलाएगा, अरे वो कहेंगे अरे प्रभु जी आप इतना दे रहे, अरे खाओ खाओ, भगवान देने वाले है कि नहीं। तो स्वजीव दया का मतलब है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे मैं नेवी में था तो वहाँ एक कहावत है, जहाज डूबता है तो पहले खुद को बचाओ बाद में दूसरों को बचाओ। अगर जहाज अगर डूब रहा है तो दूसरों की बचाने की चिंता, उनको बचाने की चिंता बिल्कुल मत करो, पहले खुद को बचाओ बाद में जाके आप दूसरों को बचा सकते। अगर खुद को नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे को क्या बचाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि जीव दया का अर्थ ये भी है, चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उल्लेख किया है कि भारत भूमि ते हैल जन्म जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो एक ऐसा एक उल्लेख दिया जाता है कि दो मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, वो कहीं पहाड़ी में गए थे, माउंटेनियरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या हो गया कि उनका एक मित्र अचानक खाई में फिसल गया, तो अभी ये सोच में पड़ गया अभी इसको कैसे बचाना, अभी मुझे भी बचाना है, अभी इसको बचाने जाऊंगा मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि एक लंबी रस्सी ले ली और उस रस्सी को एक अच्छे पेड़ से बांध दिया, जो पेड़ जमीन में अच्छी तरह कसा हुआ है, जिसके अच्छी जड़ है,
फिर वो रस्सी को बांध के उसने वो रस्सी के द्वारा खुद वो खाई में जंप मार दिया, समझ रहे ना? इसका मतलब ये नहीं कि वो उसने बिना रस्सी का जंप मारा, उसने कुछ आश्रय लिया रस्सी का और पेड़ का, तब जाके उसने अपने मित्र को वहाँ से ऊपर ले आए। तो आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे पिक्चर से वो बनाते हैं, तो पिक्चर बनाते तो लोगों को जो अज्ञानी होता है उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो एक बार एक भक्त एक उदाहरण दे रहे थे कि बम्बे में वगैरह पिक्चर का वगैरह शूटिंग करते तो कोई कोई व्यक्ति 10वें मंजिल से जंप मारता है, तो किसी अज्ञानी को लगेगा अरे देखो और एक ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसका जो शूटिंग कर रहा है फिल्म का डायरेक्टर है उसको सब मालूम है कि कहानी क्या है। हाँ, वहाँ एक नीचे जाली भी लगाई रहती है, उसको उसमें वो गिरता है, बाहर नहीं गिरता। तो इस प्रकार वो व्यक्ति जो जंप मार रहा है उसको डर भी नहीं रहता है कि मैं जंप मार रहा हूँ, किसको उसको मालूम है कि मैं नीचे बच जाऊँगा, वहाँ जाली पकड़ा हुआ है। तो यहाँ भी हमें ये इस प्रकार से ये समझना चाहिए इस कथा में कि एक भगवान की इच्छा के कारण ये जो है भरत महाराज इस स्थिति में वो एक ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो भगवान हमें भी ये बताना चाहते हैं कि हम इस स्तर पर भी आने से हम अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी भक्ति नहीं करेंगे, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तो ये जो तीन चीज़ है ये बहुत ही आवश्यक है। तो जीव दया का मतलब है कि अपने खुद के ऊपर भी दया करो, फिर नामे रुचि। तो भक्ति में हम देखते हैं कि प्रसाद के प्रति हमारी बहुत रुचि रहती है कि नहीं, लेकिन उस रुचि को जो है भगवान के नाम के प्रति रुचि के प्रति उसको प्रकट करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर जब तक वो अपना माला नहीं करते थे वो कोई प्रसाद को सिर सर में लगा लेते थे, लेकिन उसके बाद में प्रसाद लेते थे। फिर वैष्णव संघ ये भी बहुत आवश्यक है। अब यहाँ देखते हैं कि भरत महाराज वहाँ वो एकांत में थे, तो एकांत में एक व्यक्ति को जो है कोई भक्तों का सहारा नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति एकांत में भक्ति नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई व्यक्ति सोचेगा मैं एकांत में रहकर भक्ति करूँगा तो बड़ा मूर्ख है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं एकांत में रहकर अगर भक्ति करूँगा तो ये महामूर्ख है। तो इसलिए जैसे हमारे इस्कॉन में कहते हैं कि जो रह गया तो ये बड़ा आश्चर्य है, जो निकल गया तो निकल गया, वो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। तो बहुत लोग आते हैं चले भी जाते हैं, लेकिन जो भक्ति में रहता है चलो वही आगे कामयाब हो सकता है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया है कि जीवे दया नामे रुचि और वैष्णव सेवा, तो ये तीनों जो है जैसे एक ट्राइंगल होता है त्रिकोण, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें भी याद रखना चाहिए क्योंकि हम प्रचार करते हैं, प्रचार में जाते हैं, तो हमें भी अपने आप को सावधान रखना चाहिए। तो ऐसे जो है शास्त्र में आप देखते हैं कि पंचरात्र में एक अच्छी कहानी बताई जाती है, क्योंकि पतन कैसे होता है, क्योंकि भक्ति में अगर हम अगर ढीले पड़ जाएंगे अपने साधना में, तो पंचरात्र में एक कहानी आती है कि एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उसमें एक बंदर रहता था और उस पेड़ में काफ़ी जामुन थे और नीचे नदी बहती थी और वहाँ कभी कभी मगरमच्छ आके बहुत सारे जामुन इकट्ठा करके अपने पत्नी के लिए लेके जाता था। तो उसकी पत्नी बड़ी शौक से वो जामुन खाती थी, तो उसके मन में एक दिन विचार आया तो ये जो बंदर जो जामुन खाता है उसका कलेजा कितना बढ़िया होगा, है कि नहीं, अगर वो खाएंगे तो और बड़ा मज़ा आएगा। तो उसने पत्नी ने जो है इससे कहा मगरमच्छ से, अरे वो बंदर को ले आओ एक दावत पर, तो फिर उसका पल कलेजा खा लेते हैं। तो इस प्रकार जो है एक दिन उसने उस बंदर से कहा कि ऐसे से मेरी पत्नी ने आपको दावत में बुलाया, तो बंदर बिल्कुल उसके मुंह में पानी आ गया, अरे चलो बढ़िया कुछ खाने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है मगरमच्छ के पीठ पर बैठ के जब जा रहा था तो बीच ही नदी में मगरमच्छ ने कहा अरे सुनो मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बिल्कुल उसको झटका लग गया, उसने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया, वो मैं तो पेड़ के ऊपर रखता हूँ, चलो वापस। तो मगरमच्छ को इतना ज्ञान नहीं था कि किधर क्या होता है कि नहीं। तो इस प्रकार जब वो वापस आया और पेड़ पर चढ़ गया तो उसने कहा अरे बस आपकी हमारी दोस्ती हो गई आज से। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है
लेकिन वो अपना मुंह अपने हाथ को ढक लेता है तो ताकि उससे उसको भी वो बीमारी न हो जाए। तो हमें भी जो है भक्ति में जो है वो सतर्क रहना चाहिए। जब भी हम अपनी भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ ये जो उदाहरण हमें यही मालूम होना चाहिए कि यहाँ भगवान हमें ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर इतने ऊंचे स्तर पर भी अगर चला जाता है तो उस व्यक्ति का भी जो है उस स्तर से अगर पतन हो सकता है। अगर वो व्यक्ति सावधान नहीं है और उससे क्या होता है कि उसकी आसक्ति और जो है दुर्लक्ष करने के कारण जो है उसका भक्ति से पतन हो सकता है। तो हम एक इस स्तर से इसको देख सकते हैं। और दूसरा जो है आप देखते हैं भगवान की इच्छा, तो भगवान भी आप देखते हैं कि भगवान के ऐसे कुछ लीलाएं होते हैं कि भगवान वैकुंठ में नहीं कर पाते या गोलोक वृंदावन में, तो भगवान को भी कहीं दूसरी जगह जाके करना होता है। जैसे आप देखते हैं कि भगवान की जो यहाँ जो लीलाएं होती हैं तो उसको कहते हैं प्रकट लीला। जब भी भगवान वृंदावन में लीला करते हैं, प्रकट लीला में और एक पार्ट है, तो उसमें भगवान यहाँ से मथुरा द्वारका जाते हैं। इसको जो है इस लीला को क्या लीला कहते हैं किसी को मालूम है? जैसे एक भगवान के वैकुंठ में जो लीला अभी चल रही है तो उसको नित्य लीला कहते हैं। अभी यहाँ भगवान प्रकट नहीं है, इसको अप्रकट लीला कहते हैं। और जब भी भगवान प्रकट रहते हैं तो वृंदावन से बाहर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि वृंदावन से बाहर भगवान चले गए, तो उस लीला को क्या कहते हैं? आप लोग वृंदावन में रहते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि वृंदावन में आप रहते तो भगवान लीला कर रहे तो कुछ तो थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए। रासलीला? अरे भगवान, रासलीला तो कुछ अलग ही है, अप्रकट लीला नहीं। चलो आप थोड़ा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, तब तक कथा को चालू रखते हैं। नहीं मैं बताता हूँ लास्ट में देखते हैं। चलो यहाँ जैसे मैं बता रहा था कि भगवान की इच्छा हो तो आप देखते हैं कि जैसे जय विजय, आप देखते हैं कि जय विजय भगवान के पार्षद थे, कुछ एग्जाम्पल देते थे आपको। तो अभी जय विजय तो ऐसे तो उनका वैकुंठ से कभी पतन नहीं होगा, लेकिन जय विजय को उस स्थिति में डालने के लिए क्या हो गया कि आप देखते कि चार कुमार भी आए थे तो उन्होंने उनको रोक दिया। और एक ऐसे भी उल्लेख आता है कि एक बार जय विजय ने लक्ष्मी जी को वैकुंठ में आने से रोका था, तो लक्ष्मी जी बड़ी गुस्सी हो गई, वो गुस्से में आ गई थी, तो लक्ष्मी को भी भगवान को तृप्त करना था, ये चतुष्कुमार को भी तृप्त करना था। और भगवान को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कभी कभी भगवान को जोश आता है थोड़ा फाइटिंग करने का वीर रस, तो वहाँ भगवान फाइटिंग तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं गोलोक वृंदावन में, तो भगवान को फिर इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो ये जय विजय का जो है ये पतन ये कुछ भगवान की इच्छा से हुआ है। अगर उसी प्रकार आप देखते हैं कि भागवतम में पहले स्कंद में ही आप देखते हैं जब ये परीक्षित महाराज अभी वो 7 दिन भागवतम उन्होंने सुना बिना पानी पिए भोजन खाए, लेकिन उस दिन उन्होंने किस ऋषि के गले में सांप डाल दिया मरा हुआ? शमिक ऋषि। हाँ तो ऐसे वैसे ऐसे क्यों कर सकते हैं? वो तो बड़े राज ऋषि है, बुद्धिमान है, ऐसे उन्होंने क्यों किया? ये तो एक एक भगवान की ऐसी कुछ इच्छा थी, भगवान की इच्छा के अनुसार कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, तो एक तो एक कारण दिया है। तो आप देखते हैं कि परीक्षित महाराज इतने यानी बुद्धिमान राज ऋषि समझदार व्यक्ति और सिर्फ वो पानी नहीं मिला तो उनके गले में सांप डाल सकते क्या? ऐसे तो कर ही नहीं सकते। तो उनको कोई प्रेरणा कोई देने वाला है। महाभारत में भी उल्लेख आता है कि जब ही पांडवों के इसमें वो महल देखने के लिए जब ये आया था दुर्योधन और उनके सब साथी आए थे, तो अचानक उस महल में दुर्योधन को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ चल रहा है। तो एक बार वो ऐसे चल रहा था तो उसको लगा दरवाजा है, हाथ मारा तो वहाँ एक जो ऐसे दरवाजा था ग्लास का, फिर आगे जाके जो उसको लगा कि यहाँ पानी है लेकिन उसको लगा ये पानी नहीं है, तो आगे गया तो नीचे पानी में गिर गया। तो वहाँ आप देखते कि सब स्त्रियाँ खास करके द्रौपदी के साथ जितने भी बाकी रानियाँ थी वो हंसने लग गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा रुको रुको हंसो मत,
कृष्ण भगवान ने कहा है हंसने तो क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान की इच्छा थी कि इसके कारण आगे हमें आगे क्या करना है, युद्ध, युद्ध की तैयारी करनी है। तो आप देखते हैं कि ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं शास्त्रों में जहां हम देखते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनको मालूम है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, फिर वो जुआ क्यों खेला उन्होंने, ये भी बड़ा प्रश्न लोग करते हैं। तो अभी आप देखते कि प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज से पहले हिरण्यकश्यप ने तो 14 जगत को तो पूरा सबको भयभीत करके अपने वश में कर लिया था, हालांकि इंद्र उसके दरबार में झाड़ू मारते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को आप देखते कि जब ये स्वयं हिरण्यकश्यप उसका वध करने वाला था तभी भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कोई ऐसी स्थिति को निर्माण करते हैं तो ताकि वो अपना उनका कार्य हो जाए। तो यहाँ भी हमें यही समझना चाहिए कि हालांकि भरत महाराज, आप देखते कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा ऐसी लीला कर लेते तो इसके द्वारा उनके भक्तों का भी गुणगान किया जाता है। हालांकि यहाँ आप देखते हैं कि भरत महाराज का ऐसे उल्लेख दिया है कि उन्होंने घर ऐसे छोड़ा कि जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह अपना लोटा लेके जाता है, वो देखता नहीं कि मैंने क्या त्याग किया है कि नहीं। तो भरत महाराज ने भी उसी प्रकार से अपना घर त्याग दिया था। तो भक्ति में हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम भक्ति में अग्रसर हो रहे तो हमें नामे रुचि, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रूल है, प्रमुख नियम है, वो है नियमित रूप से 16 माला जाप करना। तो अगर हम अपना साधना अच्छी तरह कर रहे तो हमारा पतन नहीं होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक उल्लेख देते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ उन्होंने एक उल्लेख दिया है कि जैसे वृंदावन के गोस्वामी का मतलब ये हमारे षट गोस्वामीज नहीं है, एक तो होते जात गोस्वामी जिन्होंने टाइटल अपना इनहेरिट का मतलब है कि उन्होंने अपना एक टाइटल लगा लिया। तो एक ऐसी घटना है कि प्रभुपाद जी के समय कुछ प्रभुपाद जी के भक्त यहाँ BTG जो है भागवत दर्शन का भी वितरण करते थे। तो उस समय एक थे मायावादी, हालांकि वृंदावन में रहते थे, कुछ भगवान की कृपा हो तो किसी ने उनको एक मैगजीन दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने उसमें इस मैगजीन का एक कोट दिया था कि जो व्यक्ति वृंदावन में ठीक ढंग से भक्ति नहीं करते, पाप युक्त कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कुत्ता या सुअर या बंदर या यहाँ प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं, यमुना जी में कछुआ होता है, कछुआ भी बन सकता है, तो उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को उस ये जन्म दिया जाता है। तो एक उस समय एक बहुत बड़े यहाँ के जाने माने थे, अभी हम नाम नहीं बताएंगे, एक कोई आनंद ही थे वो, तो वो कहने लगे अरे ये कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम तो जन्म से गोस्वामी है तो हमारा कैसे पतन होगा। तो भौतिक जगत में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम ब्राह्मण हैं तो हमारा हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार एक ब्रजवासी पंडा हमें बता रहा था कि हम तो कृष्ण के ये है स्वजन है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग कभी कभी लोग उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे नरकासुर, भौमासुर, वो किसका पुत्र था, भगवान किसका पुत्र था, भूमि देवी ने भगवान का भूमि से स्पर्श होने से उसका जन्म हुआ था, क्योंकि वो इतना ये कर रहा था पापयुक्त कार्य तो भगवान ने उसको सजा दी। तो इस प्रसंग में यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि कभी भगवान ऐसी स्थिति प्रकट करते हैं, जैसे पांडवों के जन्म, इसमें भी हम देखते हैं कि पांडवों का अगर उनका चरित्र देखते हैं तो ऐसे तो पूरी तरह 100% भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके जो है जीवन में इतना सारा दुख, ऐसे नारद मुनि भी एक उल्लेख करते वैकुंठ में विष्णु भगवान से, अगर पांडवों का कोई चरित्र पढ़ेगा सुनेगा तो कोई आपका भक्त बनेगा नहीं, ऐसे विष्णु भगवान से वो नारद मुनि बताते। तो अभी पांडवों को इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो भागवतम में पहले स्कंद में 9वें अध्याय में जो है आप देखते हैं कि जब भीष्म पिता वहाँ देह त्याग कर रहे थे तो उस समय वो पांडवों को बताते देखो कि ये जो आपके जीवन में जो भी हुआ तो इसके पीछे देखो यही आपको समझना चाहिए कि भगवान की कुछ इच्छा थी, भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा था। आप ये मत सोचो
कि हमारे साथ ऐसे क्यों अन्याय हुआ। तो इस भौतिक जगत में काफ़ी बार हमारे मन में ऐसे विचार आता है कि हमारे साथ ऐसे अन्याय हुआ, लेकिन हम उसको सही दृष्टिकोण से देखते नहीं। तो क्योंकि हमारे अंदर भक्ति में इतना मैच्योरिटी नहीं होता है, परिपक्व नहीं होते, तो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो उसको उस दृष्टि में आने के लिए हमें भक्ति में जो है अपना अच्छा साधन भजन करना पड़ेगा। तो वास्तविक में यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी देख जो प्रभुपाद जी बता रहे, क्योंकि जो भरत महाराज है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से बताते हैं कि उनको किसी प्रकार का पाप जो है वो लागू नहीं होता है भगवान के भक्तों को, क्योंकि वो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। तो आप देखते हैं कि भौतिक जगत में भी काफ़ी बार एक ऐसे भी कहावत है कि वैष्णव क्रिया मुद्र विज्ञान भुजाए, जो जो सच्चे जो वैष्णव होते हैं तो व्यक्ति जो भी वो करते हैं तो उसके ऊपर उस इसको प्रसंग को हम अपने जो है छोटे बुद्धि से हम उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें कभी कभी सावधान रहना चाहिए, खास करके अगर हम लोग अभी वृंदावन में रहते हैं तो हम लोग ये कभी कभी जान नहीं पाते कि हम वृंदावन में किस प्रकार हमें रहना चाहिए। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें एक चेतावनी दे रहे कि वृंदावन में हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालांकि हम लोग भी भगवान के भक्त हैं, तो इस्कॉन में आ गए इसका मतलब नहीं कि हम एकदम दूसरे दिन शुद्ध भक्त बन गए, ऐसे नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि चलो नहीं चाहिए कि हम इस्कॉन में आ गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का ऐसे ही एक सोच समझ होता है, लेकिन थोड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, चलो आके अपना दीक्षा ले लेते हैं, बाद में कुछ मतलब है नहीं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वृंदावन में रहते हैं तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। सो प्रभुपाद जी ये भी उदाहरण देते हैं, जैसे एक ये होता है जो बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही होता है, अगर वो सिपाही सो जाएगा तो बस उसका दुश्मन उसको गोली से उड़ा देगा। तो माया भी जो है वो भी देखती है, अरे ये मेरा पार्टी चेंज कर रहा है। हालांकि हम वृंदावन में है, लेकिन यहाँ भी ऐसे नहीं कि यहाँ माया नहीं है, तो यहाँ का भी माया का प्रभाव होता है। तो हमें माया के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, हमें अपने मनमानी कुछ नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी कर रहे तो उसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र का आधार देखना चाहिए, तो ये हमारे गुरु ने क्या कहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें वृंदावन में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए इसके बहुत सारे ये बहुत चीज़ों को बताया है। तो इसका एक किताब भी लिखा है, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में भी किताब है, अगर आप गिफ्ट बुक में जाएँ बुक स्टॉल में जाएंगे वो किताब मिलेगा, वृंदावन एज इट इज़। तो उसमें प्रभुपाद जी ये बताते कि एक व्यक्ति को वृंदावन में किस प्रकार रहना चाहिए, जैसे हमारे 6 गोस्वामी रहते थे उनके आदर्श में चलना चाहिए। लेकिन देश काल के पात्र के अनुसार हम लोग तो पेड़ के नीचे नहीं रह सकते, तो ये प्रचार का मोमेंट है, तो हमें चलो आश्रम में रहना चाहिए, लेकिन कुछ आश्रम में भी नियम है, आश्रम के नियम पालन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं तो वो यहाँ तो काफ़ी अभी माया का इतना प्रभाव है कि जो भी लोग आते पीछे वो आप देखेंगे कि वो उनको एक पत्रिका देते, चलो आप अपना घर, बहुत सारे बिल्डर कहते कि आपको हम ब्रजवासी बनाएंगे, जैसे कि भगवान ने उनको ठेका दे दिया है कि नहीं, कहते कि आपको हम ब्रजवासी बना देते, एक फ्लैट खरीद लो आप ब्रजवासी बन जाएंगे, ऐसे नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते कि कोई टिकट खरीद के वृंदावन जा नहीं सकता, वृंदावन भी जाना है, वृंदावन में भी रहना है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन बताते कि विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मद कबे हम हे रब श्री वृंदावन। विषय छड़िया काबे का मतलब है कि कब हम ये विषयों का भोग उसको छोड़ेंगे। तो आज वृंदावन में काफ़ी लोग आते हैं तो अक्सर हम यही देखते हैं कि लोग उनके अंदर वो भोग की प्रवृत्ति होती है, बस बिहारी जी का थोड़ा दर्शन करना है, एक माला चढ़ाना है, उसमें कुछ दक्षिणा रखना है, उसके अलावा आगे क्या क्या करना है वो कुछ ज्ञान नहीं। जो शास्त्रों में बताया जाता है कि एक व्यक्ति जब भी तीर्थ यात्रा करता है तो वृंदावन एक तीर्थ है, तो तीर्थ है तो तीर्थ का प्रभाव होगा ही है। अगर तीर्थ का अगर प्रभाव उसको हमें ग्रहण करना है, तीर्थ कुरुवंती तीर्थानी, युधिष्ठिर महाराज जो है विदुर जी को कहते हैं कि आप साक्षात तीर्थ हैं,
क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करके सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। तो तीर्थ में जाने का अर्थ ही होता है, जो लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं तो वहाँ के पहले ज़माने में क्या होता था कि जो तीर्थ के जो पंडा होते थे वो क्या करते थे, उनके जितने भी उनके यात्री आते थे उनको सब जगह घुमाते थे और तीर्थ का महात्म्य बताते थे। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, लेकिन आजकल का पंडा पंडा नहीं दिखता है, वो बिल्कुल दिखने में गुंडा ही लगता है। उनका वेश है वो देखने से लोग डर जाते हैं, काफ़ी बार लोगों को लगता है अरे मैं वृंदावन कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। तो लोगों को भी बहुत बुरे बुरे जो है ये अनुभव होते हैं। तो लेकिन वृंदावन में भी अगर हमें ये करना है, रहना है और अपनी भक्ति करनी है, तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे उदाहरण दिया है, बहुत सारे चेतावनियाँ दी हैं। अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वृंदावन में रहने का कुछ हमें ये नहीं है, उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे एक अंग्रेजी में कहा होता है, एक्ट लाइक ए रोमन वाइल यू आर इन रोम। इसका मतलब है कि रोम में आप रहते हैं कि वहाँ रोम के निवासी जैसे रहते हैं वैसे रहो। तो वृंदावन का रहने का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। गोस्वामी उन्होंने जैसे जीवन व्यतीत किया वैसे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का ये जो है ये आर्टिकल देके वो भटक गए थे, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि वृंदावन में रहना है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर हम सोचेंगे अपना शरीर के बारे में सोचते रहेंगे, घर के बारे में सोचते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसे भी बताते कि वृंदावन का हम एक रज भी खरीद नहीं सकते। वृंदावन का जो रज है उसको तो फ्लैट और बंगला और ये खरीदने की तो अलग की बात हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि हमारी वो चेतना नहीं है। तो वृंदावन को हमें यानी शुद्ध धाम है तो इसको उस स्तर पर रहना चाहिए। जैसे शास्त्रों में बताया जाता है अग्नि के साथ अपने गुरु के साथ या अर्च विग्रह और पानी इनको कभी साधारण नहीं समझना चाहिए, इसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो उसी प्रकार वृंदावन में भी रहना है तो वृंदावन का भी जो है उसका साथ साथ दुष्परिणाम भी हो सकता है अगर हम सही ढंग से वृंदावन में नहीं रहेंगे। तो उसकी चेतना उन्हें यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो ऐसे इन तीन श्लोकों में ये उल्लेख दिया है कि भरत महाराज जो है कि वो यही सोच रहे कि इसको मैंने इतने प्रेम से पाला, पालन पोषण किया था, अभी ये मेरे से दूर हो गया। तो अभी ये यहाँ वो ये उल्लेख कर रहे हैं कि हो सके चंद्रमा उसको कोई ये दे दे, चंद्रमा अपना जो है उसको उसकी रक्षा करे, कहीं इसको कहीं शेर तो खा नहीं जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि भरत महाराज एक ऐसी स्थिति में आ गए, एक उलझन ऐसे उलझन में आ गए हैं कि वो अपने आप को भूल गए। कभी कभी हम देखते हैं कि भौतिक जगत में अगर हमें किसी कोई चीज़ के प्रति आसक्ति हो जाती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें ये स्मशान वगैरह जाना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति का भक्त का अगर देहांत हो गया, तो भी हाल ही में मैं गया था, एक भक्त के मिसेस का देहांत हो गया था, तो वहाँ उसकी बाद में माँ भी आ गई थी, वो जोर से चिल्ला रही थी बेटी तू कहाँ चली गई। क्योंकि हमारा भौतिक जगत में इतना आसक्ति अपने घर परिवार अपने स्वजनों के प्रति रहती है तो हम यही भूल जाते हैं कि वास्तविक में हम भक्ति क्या कर रहे हैं, जीवन में अपनी प्रगति क्या चल रही है। तो यहाँ वास्तविक में देखा जाए कि भरत महाराज उनको इस स्थिति में डाला गया है या उस स्थिति में वो कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भरत महाराज जो है वो भाव विभोर हो गए, अपने आप को भूल गए या भावुक है, ये नहीं समझना चाहिए। तो ये भगवान ने उनके प्रति एक ऐसे प्रसंग ये किया है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शीघ्र ही जो है आगे भरत महाराज को एक हिरण का जन्म मिलेगा, उसके बाद में उनको एक ब्राह्मण का जन्म मिलेगा और उसके पश्चात वो तुरंत उनको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं जब ही भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला तो उनको वो स्मृति बनी रही, अरे मैंने कितना बड़ा गलती किया, एक छोटी सी गलती के लिए मुझे ये बनना पड़ा। लेकिन ऐसे बताया जाता है कि तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने हिरण का जो परिवार है उसको त्याग दिया और वो जो है पुलस्त्य मुनि के आश्रम में वहाँ आके श्रवण करते थे
और उसका उनका जो तीसरा अगला जन्म जो है वो ब्राह्मण के परिवार में हुआ, लेकिन वहाँ भी वो क्या करते थे, एक मूर्ख के मत भी व्यवहार करते थे, पागल के जैसे। तो ऐसे क्यों व्यवहार करते थे, ताकि फिर से वो अपने घर स्वजन परिवार इसके आसक्ति में फिर से वो डूब न जाए। तो इस प्रकार यहाँ आज के इसमें यही उदाहरण दिया है कि जो भरत महाराज जो है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि ऐसे लगता है कि वो अपने कर्म के अनुसार उनका जो है वो पतन हो गया हो, लेकिन प्रोपा जी हमें ये समझाते हैं कि भक्तों जो भक्त जो भक्ति करते हैं उनका कोई पतन नहीं होता है। तो अगर किसी का पतन भी होता है कुछ समय के लिए, तो भगवान उसको ठीक करने के लिए उचित जो है कुछ शिक्षा दे देते हैं, और उस व्यक्ति को फिर से उसका जो है उसको जो उसकी पूर्व स्थिति भगवान उसको प्राप्त कराते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। हाँ जी, नैमित्तिक लीला, अभी तक किसी को याद ही नहीं आया। नैमित्तिक लीला है ना, टेम्प्ररी। ये नैमित्तिक लीला का मतलब है कि जैसे असुरों का वध करना, मथुरा जाना, द्वारका जाना, इनको कहते हैं टेम्प्ररी। ये नित्य लीला नहीं है, इसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। हाँ, एक मिनट, प्रश्न है या? हाँ जी, माइक है। किसका? नहीं, अज्ञान में, अनजान में कुछ भी कर सकते हैं जो भक्ति युक्त नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है। अभी आप ही समझ लो, अगर अभी आपको भगवान तो चेतावनी देते हैं, परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं, वो तो आपको डेली बता रहे हैं, सुबह जगा रहे कि नहीं आपको, सब भगवान सब चेतावनी दे रहे। तो अभी एक व्यक्ति जो मैच्योर्ड है, जैसे एक बच्चों को समझाना पड़ता है कि नहीं। अभी हम लोग तो उम्र में बड़े हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या रिएक्शन हो सकता है। जैसे वृंदावन धाम में रहने के भी 10 अपराध बताए गए हैं, तो हमें ये 10 अपराध मालूम होना चाहिए। तो ऐसे हरिनाम के प्रति 10 अपराध मालूम है, तो वृंदावन में रहने के भी 10 अपराध है वो भी मालूम होना चाहिए। प्रभु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो बताएंगे। चलो माइक दे दो उनको। हाँ, वृंदावन धाम की महिमा है। कालिया जो है उसकी पत्नियाँ जो है भक्त थी, इसलिए उसको कृपा हुई। उसकी पत्नियाँ जो है वो भक्त थे, इसलिए कालिया को भगवान ने क्षमा याचना दे दी। समझ में आ गया? और कोई किसी को टीका? प्रकट नहीं, नहीं ये यानी सिर्फ इस भौतिक जगत में ये जो है नैमित्तिक लीला, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को भी कभी कभी एक डर में डाल देते हैं। गोलोक वृंदावन में भी बताया जाता है कि वहाँ भी बताया जाता है कि अरे केसी आने वाला है, तो सब डर जाते हैं, अरे केसी असुर आने वाला है गोलोक वृंदावन में, लेकिन केसी आता नहीं। जैसे बच्चों को भी कहते हैं सो जाओ, नहीं तो कोई भी आएगा, तो बच्चों को भी हम डराते हैं। तो ऐसे गोलोक वृंदावन में भी ऐसे उनके बारे में उल्लेख किया जाता है, लेकिन वो होता नहीं, उल्लेख किया जाता है। हरे कृष्णा। दस अपराध तो प्रभु जी बता दो, 10 अपराध। हाँ नहीं, एक हमारा, अगर आप गिफ्ट शॉप में जाएंगे वहाँ किताब है वृंदावन यथारूप, तो उसमें वो दिए है 10 पॉइंट्स। ऐसे तो वृंदावन में किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए किसी से, किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का धंधा नहीं करना चाहिए व्यवहार, और दूसरों को किसी प्रकार का ये वेग नहीं देना चाहिए। तो वृंदावन को जो है एक साधारण भूमि नहीं समझना चाहिए, वृंदावन को ये दिल्ली नहीं समझना चाहिए, ये वृंदावन है। तो ऐसे 10 जो है वृंदावन के प्रति तो ये अपराध बताए गए हैं। हाँ हरे कृष्णा। ग्रंथराज ओके, कहाँ? गृहस्थ आश्रम।
हाँ, हमें अपना, जैसे हर एक व्यक्ति को अपना जो जवाबदारी है, जैसे आप देखेंगे ऋषभदेव, पहले उल्लेख आता है कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बताया था कि माता न सश्चात, पिता न सश्चात, जननी न सश्चात। इसका मतलब ये है कि एक माता पिता देवता या जो है पालक बनने का अधिकार नहीं है अगर वो उनको जन्म मृत्यु से परे ले नहीं जा सकते। तो आप अगर आपके बच्चों के प्रति आपका ये होता है कि उनको उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, उनका उनको अच्छा मार्ग बताना, तो ये आपका ये है यानी जवाबदारी है। बस वो उतना आप करेंगे तो ठीक है। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रीरूपाद की जय। हरे कृष्ण।